वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 24/7 एपी लाइब्रेरी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी व्याकरण की एक नई वीडियो जिसका विषय है क्रिया विशेषण। आज हम इस वीडियो में क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण की परिभाषा, तो आइए सबसे पहले क्रिया विशेषण की परिभाषा देखते हैं। वह शब्द जो क्रियाओं की विशेषता का बोध करवाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, अर्थात जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, इस वाक्य में दौड़ना क्रिया शब्द है और तेज शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह कितना तेज दौड़ता है, अतः तेज शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के कुछ और उदाहरण, वह धीरे धीरे चलता है। वह कैसे चलता है? धीरे धीरे। मैं शाम को खेलता हूँ। कब खेलता है? शाम को। खेलना शब्द क्रिया है, शाम शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया विशेषण के भेद, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के चार भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो आइए कालवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा देखते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण वो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मैंने सुबह खाना खाया था। कब खाया था? सुबह। तो सुबह शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध करवाते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह ध्यान पूर्वक पढ़ाई करता है। कैसे करता है पढ़ाई? वह ध्यान पूर्वक। ध्यान पूर्वक शब्द हमें उसके पढ़ने के तरीके के बारे में बता रहा है। सुरेश ध्यान से चलता है। ध्यान से शब्द उसके चलने के ढंग को बता रहा है। वह फटाफट खाता है। वह कैसे खाता है? फटाफट।
फटाफट शब्द खाने के ढंग को बता रहा है। तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध करवाते हैं, वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं बाहर खेलता हूँ, मैं कहाँ खेलता हूँ? बाहर। बाहर शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तुम अंदर जाकर बैठो, अंदर शब्द स्थान को प्रकट करता है। मैं पेड़ पर बैठा हूँ, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें क्रिया के परिमाण, मात्रा या संख्या का पता चले, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मोहन अधिक खाता है, वह कितना खाता है? अधिक। राम अपने दोस्त से ज्यादा खाता है, ज्यादा शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी मिल सके, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद।